देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कई राज्यों में केस लगभग खत्म हो गए हैं तो कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें केरल और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। इन राज्यों में संक्रमण के मामले क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर दिल्ली स्थित CGHS के CMO डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि कोविड को नियंत्रित करने के लिए बेसिक चीजें हैं, मास्क, सैनिटाइजर और दूरी, लेकिन कहीं ना कहीं इन राज्यों में इनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए लोग वहां संक्रमित हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नियम और सख्त करें, जैसा कि दिल्ली और यूपी में मास्क न लगाने पर फाइन का प्रावधान किया गया था। हालांकि देश में अब तक 71 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी खतरा तो बरकरार ही है। ऐसे में आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि कोरोना से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब। कोरोना से ठीक होने के बाद आंखें लाल रहती हैं और रोशनी भी कम हो रही है, क्या कारण है? डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद अगर शुगर की बीमारी हो गई है या पहले से भी थी तो इससे भी आंख लाल और रोशनी कम होने लगती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि शरीर में शुगर लेवल कम करें। अगर रोशनी कम हो रही है तो एक बार आंख के अंदर के यहाँ रेटिना भी चेक करा सकते हैं। क्या निपाह और कोरोना वायरस के लक्षण एक समान हैं? डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि जी हाँ, दोनों ही वायरस एक तरह से रेस्पिरेटरी वायरस हैं और लक्षण भी एक समान है। बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द आदि होते हैं। इसमें अंतर जांच करने या पता लगा कर कि किसी जानवर के संपर्क में आए थे या नहीं, फिर जांच जरूरी है। निपाह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि निपाह वायरस बैट और पिग से फैलता है। ये वायरस जानवरों से इंसान और इंसानों से इंसान में फैलता है। अगर चमगादड़ किसी फल आदि को खा लेते हैं और उस फल को खाने से भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। इस वायरस में सीवियरिटी रेट, गंभीरता की दर ज्यादा है। हालांकि इसे लेकर सरकार सतर्क है और टीम नजर बनाए हुए है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।